दुख के समय तो हर कोई सोचता है कि मेरा सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा बोझ भगवान ले ले, जिससे कि मेरा मन चैन पाए, सुकून पाए। परंतु जब हमने भगवान को सुख में साथी ही नहीं बनाया, तो फिर दुख में वो कैसे मेरे समीप आएगा ना? क्योंकि हिसाब किताब अर्थात जो भी परिस्थितियां हमारे समक्ष आती हैं, तो वो तो हमें खुद ही चुकतू करने पड़ते हैं, हर आत्मा को इंडिविजुअली। परमात्मा हमारा साथी सहयोगी तो बनता है, जिससे हमें वह हिसाब किताब चुकतू करना सहज हो जाता है, पर करने तो वह चुकतू हमें ही होते हैं। परंतु जब हम परमात्मा को समर्पण कर देते हैं, तो वो ले लेता है। और ये समर्पण भी एक्यूरेट तब होता है जब हम उसकी श्रीमत प्रमाण चलते हैं, उसकी शिक्षाओं को अमल में लाते हैं, नहीं तो वह समर्पण एक्यूरेट हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिसके प्रमाण हम चलते हैं, वो हमारे साथ खड़ा हो जाता है, और जब हम उसको देंगे तो वो ले लेगा। क्योंकि हर पल हमने परमात्मा को, दुख या सुख, हर घड़ी में हमने ईश्वर को अपने साथ रखा, उसको अपने संग अनुभव किया। क्योंकि भगवान से संबंध कोई शब्दों की नहीं, बल्कि संकल्पों की बात है, कि मैंने संकल्पों में जितना उसको अपने साथ रखा है, उतने वो मेरे समीप है। जब वो समीप है तो वो मेरी चीजें ले लेता है। परंतु जब मैं उसके प्रमाण चली ही नहीं, उसको अपना साथी जब मैंने बनाया ही नहीं, उससे अपना दिल का रिश्ता जोड़ा ही नहीं, तो वो कैसे मेरे समीप होगा ना? तो मूल्य केवल इस बात का है कि हम याद किस भाव से करते हैं भगवान को, प्रेमवश या फिर स्वार्थवश। क्योंकि ब्लेम करने वाला तो एक सेकंड में ब्लेम कर देता है कि भगवान मदद नहीं करता, और प्रेम करने वाला हर पल उसके साथ को, उसकी मोलाई मस्ती में खुद को, उसकी छत्र छाया में सेफ अनुभव करता है।